हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर फोर्टीन हाउ बिग हाउ हैवी ऑफ मैथमेटिक्स क्लास फिफ्थ ओके सो आज हम ये चैप्टर जो रिमेनिंग पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे ओके सो लेट स्टार्ट सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर हाउ हैवी आई एम हाउ हैवी एम आई दिस वन ओके डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ हाउ वेदिकाज डॉटर फाउंड द वेट ऑफ एन एलिमेंट एलिफेंट सॉरी Magic, क्लास फोर्थ पेज नंबर 143 आपने क्लास फोर्थ में पेज नंबर 143 पे ये पढ़ा होगा इससे रिलेटेड कि किस तरह से वेदिका के जो डॉटर है उसने एलिफेंट को वेट किया था है ना कुछ पानी का कुछ ऐसा मेजरमेंट उसके थ्रू किया था

वेल सी दिस ब्लू वेल फॉट्स इज इट इज द ब्लू वेल इट्स वेट इज़ अराउंड थर्टी फाइव टाइम्स मोर देन मी कहता है कि ये ब्लू वेल है जो अर्थ पे हैविएस्ट एनिमल है क्योंकि इसका वेट कितना है फाइव थाउजेंड के जी का थर्टी फाइव टाइम्स मोर देन है ना यानी आप कैसे वेट निकालोगे सो हाउ मेनी थाउजेंड्स के जी डज़ इट वे फाइव थाउजेंड को हम 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे 35 एंड 5 फाइव फाइव 25 ट्वेंटी फाइव टू देन फाइव थ्री जी फिफ्टीन सिक्सटीन और इसमें थ्री जीरो है सो वी कैन पुट हेयर थ्री ज़ीरो सो ये कितना हो गया वन लैक सेवेंटी फाइव थाउजेंड यानी इस वेल का वेट कितना हो गया वन लैक सेवेंटी फाइव थाउजेंड सो अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ पे हैवियस्ट एनिमल कौन है सो यू कैन सी ब्लू वेल ओके और अगर आपसे पूछा जाए लैंड पे हैवियस्ट एनिमल कौन सा है तो वो एलिफेंट हो जाएगा ओके सो नेक्स्ट पेज वी विल डू गैस हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ योर वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफ़ेंट ऑफ़ 5000 थाउजेंड के जी आपको यहाँ पर बताना है कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन ऑफ योर वेट यानी आपके वेट के कितने बच्चे इक्वल होंगे एलिफेंट के वेट के यानी मान लो एक बच्चे का वेट फोर्टी है तो कितने बच्चे होंगे जिनको मिला कि मतलब एक तरफ एलिफेंट को रखा जाए और दूसरी तरफ बच्चों को रखा जाए तो कितने बच्चों को रखेंगे तो इक्वल होगा दोनों तरफ सो so, हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे सो फाइव थाउजेंड को हम मान लो एक बच्चे का वेट 40 है तो इस तरह से हम डिवाइड करेंगे एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट हो जाएगा ओके देन फोर वनज़ा फोर फोर वनज़ा फोर और यहाँ पे एक बचा फाइव है तो और ये ज़ीरो टेन सो फोर टू जाट तो टू बच गया टेन में से एट गया तो टू और ये ज़ीरो ट्वेंटी तो क्या हो जाएगा फाइव फोरज़ा ट्वेंटी मीन्स वन ट्वेंटी फाइव बच्चे एक तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ हम एलिफेंट के रख, एलिफेंट को रखेंगे तो इक्वल होगा यानी वन ट्वेंटी फाइव बच्चों का वेट इक्वल होगा वन एलिफेंट के ओके अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप फाइव थाउजेंड को फोर से डिवाइड कर सकते हैं देखो फाइव थाउजेंड ये फोर्टी है ना वन जीरो से वन जीरो कट कर दो अब फाइव हंड्रेड को फोर से हम डिवाइड करेंगे ओके एट बर्थ अ बेबी एलिफेंट वेज अराउंड नाइन्टी के जी जब एक बेबी एलिफेंट होता है जन्म के समय ही उसका वेट कितना होता है नाइन्टी के जी होता है हाउ मच डिड यू वे वेन यू वर ऑन और जब आपका जन्म हुआ तो आपका वेट कितना होगा कितना था फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इज़ अ बेबी एलीफेंट हैवियर दैन यू वर एट बर्थ यानी आपसे कितने टाइम्स ज़्यादा वेट है इस बेबी एलीफेंट का तो कोई भी जब बेबी एक छोटा बेबी का बर्थ होता है तो वो थ्री के जी वेट होता है उसका है ना तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे नाइन्टी को थ्री से डिवाइड कर देंगे थ्री थ्री जहाँ नाइन और ये ज़ीरो यानी थर्टी टाइम्स ज़्यादा होगा थर्टी टाइम्स हैवियर होगा यू कैन राइट हेयर थर्टी टाइम्स ओके अंडरस्टूड see next if a grown up elephant eats 136 kg of food in a day agar ek grown up elephant yani bada elephant ek din mein 136 kg food khata hai then it will eat around dash kg in a month to तो wo एक मंथ में कितना खाएगा so, हम कैसे find out करेंगे हमें यहाँ पे one day का दिया हुआ है in a day. यानी one day का वन थर्टी सिक्स वो खाता है है ना तो वन मंथ में यू कैन से थर्टी डेज तो थर्टी डेज में वो कितना खाएगा तो हम क्या करेंगे तो वन थर्टी सिक्स को वन थर्टी सिक्स को थर्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे ओके सो ज़ीरो ज़ीरो और फिर थ्री को सिक्स से करेंगे थ्री सिक्स जहा एटीन वन थ्री थ्री जा नाइन और एक टेन यहाँ पे वन देन थ्री वन जा थ्री और वन फोर तो क्या आ जाएगा जीरो एट ज़ीरो फोर यानी फोर थाउजेंड एट्टी ओके फोर थाउजेंड एट्टी इतना के जी उसको एक मंथ में चाहिए ओके सो यू कैन राइट हेयर फोर थाउजेंड एट्टी के जी ओके गैस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन गेस अबाउट हाउ मच इट विल ईट इन अयर तो अब आपको बताना है कि वो एक ईयर में कितना खाएगा तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे हमें वन मंथ का पता है कि फोर थाउजेंड एटी और एक ईयर में ट्वेल्व मंथ होते हैं तो हम इसको ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर देंगे सो वी कैन फाइंड आउट कि वो वन ईयर में कितना खा सकता है ओके सो नेक्स्ट शाहिद सेव्स दी बैंक शाहिद वर्कस इन अ बैंक शाहिद एक बैंक में वर्क करता है काम करता है ही सिट्स एट द कैश काउंटर और वो कहाँ बैठता है कैश काउंटर पर बैठता है ओके वैन एवर देर आर टू मैनी कॉइंस और जब भी बहुत सारे कॉइन्स हो जाते हैं ही डजेंट काउंट दैम वो उसको काउंट नहीं करता ही जस्ट वेट दैम यानी वो क्या करता है उनका वेट करता है यानी बहुत सारे कॉइन हो जाएंगे तो काउंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो वेट करके पता लगा लेता है कि कितने कॉइन्स हैं ओके वेटिंग इज सो मच ईजियर द वेट ऑफ अ फाइव रुपी कॉइन इज़ नाइन ग्राम यानी एक फाइव रुपीज कॉइन का वेट कितना है नाइन ग्राम है ओके सो टेल मी द वेट ऑफ द सैक एंड आई विल टेल यू द नंबर ऑफ कॉइंस इन इट सो so, ये कहता है कि अगर तुम मुझे इस सेट में कितने सिक्के हैं ये बताना है तो तुम मुझे इसका वेट बता दो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि इसमें कितने सिक्के हैं कैन यू होल्ड दिस काइंस एंड सी विच इज़ हैवीएस्ट इन तीनों कॉइन्स को आप हाथ में लेके देखो और आप बताओ कि इसमें से कौन सा हैवी है सो so, जो फाइव रुपीज़ का सिक्का है वो ज़्यादा हैवी होगा है ना सी अब ये कैसे वेट करके निकालता है यहाँ पे वो बताया हुआ है माय बैग ऑफ फाइव रुपी कॉइन्स वेट नाइन के जी यानी इसका जो बैग है ये देखो ये मीज़र किया इन्होंने तो इसमें जो फाइव रुपी कॉइन्स है वो कितने के जी है नाइन के जी है सो हाउ मैनी कॉइंस डज इट हैव सो इसमें कितने कॉइन्स होंगे अगर ये पूरे बैग का वेट नाइन के जी है तो इसमें टोटल कितने कॉइन्स होंगे सो so, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो वन के जी इज़ इक्वल टू वन के जी इक्वल टू वन थाउजेंड ग्राम एक के जी में कितने ग्राम होते हैं वन थाउजेंड ग्राम होते हैं सो नाइन के जी इज इक्वल टू नाइन थाउजेंड ग्राम सो नाइन के जी इसमें कितने ग्राम हो गए नाइन थाउजेंड ग्राम हो गए है ना वन के जी वन थाउजेंड सो नाइन के जी नाइन थाउजेंड ओके अंडरस्टूड देन इफ़ वन कॉइन वेट्स नाइन ग्राम अगर एक कॉइन का वेट नाइन ग्राम है सो द बैग वेटिंग नाइन थाउजेंड ग्राम्स हैज़ सो बैग का वेट कितना है नाइन थाउजेंड ग्राम है और एक कॉइन का वेट है नाइन ग्राम सो हम डिवाइड करेंगे नाइन थाउजेंड को नाइन से डिवाइड करेंगे सो नाइन थाउजेंड को नाइन से डिवाइड कर दिया तो नाइन जा, नाइन नाइन जा, नाइन यानी वन थाउजेंड उसमें कॉइन हो जाएंगे है ना सो so, क्या हो जाएगा वन थाउजेंड यू कैन राइट हेयर वन थाउजेंड कॉइन इन इट इसमें जो ये बैग है इसमें फाइव रुपीज़ के कितने कॉइन हैं वन थाउजेंड कॉइन है ओके है. Okay? है ना इजी सी नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी क्वाइंस आर देयर इन सैक ऑफ़ फाइव रुपी कॉइंस इफ इट बेट्स अब आपको अलग अलग वेट दिया हुआ है और आपको बताना है कि अगर इतना वेट है तो फाइव रुपये के कितने कॉइन्स होंगे ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन है अगर एटीन के जी वेट है तो कितने कॉइन्स होंगे तो फर्स्ट आप आपको क्या करना है एटीन के जी है तो उसको हम पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज हमें वन कॉइन का वेट ग्राम में पता है है ना वन कॉइन का नाइन ग्राम है सो एटीन के जी इक्वल टू एटीन थाउजेंड ग्राम हम इसको नाइन से डिवाइड कर देंगे है ना ये भी ग्राम हो गया ये भी ग्राम हो गया ओके सो so, नाइन वन जा नाइन टू जा एटीन तीन ज़ीरो है यहाँ तो तीन ज़ीरो इसके साथ आ जाएगी यानी टू थाउजेंड क्वाइंस अगर एटीन के जी वेट है तो क्वाइंस कितने हो जाएंगे टू थाउजेंड है ना अगर वहाँ पे नाइन के जी वेट था इससे पहले हमने अभी किया नाइन के जी वेट था तो वन थाउजेंड सिक्के थे और एटीन के जी वेट है तो कितना हो जाएगा टू थाउजेंड सिक्के हो जाएंगे अब यहाँ देखो फिफ्टी फोर है तो फिफ्टी फोर को ग्राम में बनाएंगे तो फिफ्टी फोर थाउजेंड और फिर नाइन से डिवाइड कर देंगे सो so, नाइन वन जा नाइन नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर और ये थ्री ज़ीरो ओके मीन्स कितना हो जाएगा सिक्स थाउजेंड कॉइन्स अगर फिफ्टी फोर के जी वेट है कॉइंस का तो उसमें कितने कॉइंस है फाइव रुपीज़ के सिक्स थाउजेंड कॉइन्स है ओके नेक्स्ट फोर्टी फाइव फोर हंड्रेड फोर्टी फाइव हंड्रेड ग्राम फोर्टी फाइव हंड्रेड ग्राम्स अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है के जी में नहीं दिया हुआ है तो आपको इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है अब फोर्टी फाइव हंड्रेड ग्राम को नाइन ग्राम से डिवाइड कर देंगे तो नाइन वन जा नाइन नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव और ये दो ज़ीरो पुट हो जाएगी यहाँ पे है ना तो फाइव हंड्रेड सिक्के रहेंगे उसमें अगर फोर्टी फाइव ग्राम होगा तो कितने सिक्के रहेंगे फाइव हंड्रेड ओके सो यू कैन राइट हेयर फाइव हंड्रेड कॉइंस ओके नेक्स्ट इज़ टू के जी एंड टू फिफ्टी ग्राम ओके okay. सो so, हम इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे ये ऑलरेडी ग्राम है हमें इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में है ना तो टू के का क्या हो जाएगा टू थाउजेंड ग्राम और ये टू फिफ्टी ग्राम है तो इसको प्लस कर देंगे है ना ऐसे तो क्या हो जाएगा फाइव टू टू यानी टू थाउजेंड टू फिफ्टी ग्राम अब इसको नाइन से डिवाइड कर देंगे ओके नाइन से डिवाइड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने कॉइन्स हैं ओके सो नाइन टू जा एटीन एंड कितना बचा नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू चार सो so, फिर क्या बचेगा यहाँ पे फोर और यहाँ पे फाइव तो फोर्टी फाइव सो नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव है ना तो नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव हो गया और ये एक ज़ीरो यहाँ लगा देंगे यानी टू हंड्रेड फिफ्टी कॉइन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा टू हंड्रेड फिफ्टी कॉइन्स आपने कैसे निकालना है टू टू फाइव ज़ीरो को नाइन से डिवाइड करना है अगर आप कट नहीं कर पा रहे हो सो यू कैन डू डिवाइड ओके नेक्स्ट वन के जी वन ट्वेंटी फाइव ग्राम तो वन के जी का वन थाउजेंड और वन ट्वेंटी फाइव ग्राम इसमें ऐड कर देंगे सो वॉट वी गेट वन थाउजेंड वन ट्वेंटी फाइव तो अब हम वन थाउजेंड वन ट्वेंटी फाइव ग्राम को नाइन से डिवाइड कर देंगे सो so, कैसे करेंगे नाइन वन जा नाइन वन जा नाइन टेन इलेवन दो बच गया ट्वेंटी टू नाइन टू जा एटीन फोर बचेगा नाइन फाइव जा फोटी फाइव यानी वन ट्वेंटी फाइव सिक्के यहाँ पे होंगे उसमें ठीक है अंडरस्टूड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अ टू रुपी कॉइन वेट सिक्स ग्राम एक टू रुपी का कॉइन जो है उसका वेट सिक्स ग्राम है सो वॉट इज द वेट ऑफ अ सैक विथ तो अगर एक सैक बोरे में बैग में इतने कॉइन्स हैं तो उसका वेट कितना होगा है ना अब आपको देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि टू रुपी कॉइंस एक सिक्के का वेट दिया हुआ है सिक्स ग्राम तो इतने कॉइंस का वेट कितना होगा ये बताना है ओके सो so, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे हमें पता है कि एक रुपये कॉइन का वेट है सिक्स ग्राम तो इतने कॉइन्स का वेट कितना होगा तो हम ट्वेंटी टू हंड्रेड को सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना ट्वेंटी टू को सिक्स से कर देते हैं सिक्स टू जो ट्वेल्व सिक्स टू जै ट्वेल्व और वन थर्टीन वन थर्टी टू और यहाँ पे ट्वेंटी टू में दो ज़ीरो है तो यहाँ पे दो ज़ीरो लगाएंगे यानी क्या हो जाएगा अब थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड है थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड अब इसको हमें के जी और ग्राम में लिखना है थर्टीन तो थाउजेंड आप बोल रहे हो ना इसको थर्टीन थाउजेंड तो थर्टीन थाउजेंड का मतलब ग्राम है वो थर्टीन थाउजेंड ग्राम उसको के जी में कन्वर्ट करना है तो वो थर्टीन के जी हो जाएगा बिकॉज एक के जी में वन थाउजेंड ग्राम होता है तो थर्टीन थाउजेंड है तो थर्टीन के जी हो जाएगा और ग्राम कितना बचा ग्राम टू हंड्रेड ग्राम तो यहाँ पे टू हंड्रेड ग्राम लिख देंगे ओके नेक्स्ट बी पार्ट थ्री थाउजेंड कॉइंस थ्री थाउजेंड कॉइंस हैं तो उनका वेट कितना हो जाएगा तो हम इसको भी ऐसे ही करेंगे थ्री थाउजेंड है यानी थ्री टू जा सिक्स तो सिक्स थाउजेंड वेट हो जाएगा सिक्स थाउजेंड है ना थ्री को टू से सॉरी टू से नहीं करेंगे सिक्स ग्राम से करेंगे बिकॉज एक कॉइन का वेट सिक्स है तो थ्री सिक्स जा थ्री सिक्स जा एटीन यानी एटीन और ये थ्री ज़ीरो तो एटीन थाउजेंड है ना एटीन थाउजेंड मीन्स एटीन के का वेट हो जाएगा ओके इफ हंड्रेड वन रुपी कॉइन्स वेट अगर वन रुपये कॉइंस जो हैं वो हंड्रेड है उनका वेट इतना है ठीक है वन रुप कॉइंस जो होते हैं ना एक रुपये का सिक्का वो हंड्रेड कॉइंस है इनका वेट इतना है सो हाउ मच विल टेन थाउजेंड कॉइंस वेट तो टेन थाउजेंड का कितना वेट होगा तो देखो ये कैसे कितने टाइम्स चला गया ये अगर आप हंड्रेड मल्टीप्लाई हंड्रेड करो तो क्या आ जाएगा फोर ज़ीरो आ जाएगी इक्वल टू ये हो गया टेन थाउजेंड है ना यहाँ पे टेन थाउजेंड है यानी हंड्रेड टाइम्स ज़्यादा आपसे पूछा है कि हंड्रेड टाइम्स ज़्यादा सिक्के होंगे तो उसका वेट कितना होगा सो so, हम इसको हंड्रेड से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हंड्रेड कॉइन का वेट यहाँ दिया हुआ है तो हम फोर एट्टी फाइव को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे सो वी गेट फोर एट फाइव जीरो जीरो यानी फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड ग्राम फोर्टी एट थाउजेंड मीन्स फोर्टी एट के जी और ये फाइव हंड्रेड ग्राम ओके ऑन स्टूड सी नेक्स्ट विथ योर आइज क्लोज कैन यू टेल विच इज हैवियर क्या आप आंखें बंद करके ये बता सकते हो कि कौन सा ज़्यादा हैवी है अ हंड्रेड रुपी नोट और अ फिफ्टी रुपी नोट एक हंड्रेड रुपी नोट ज़्यादा हैवी है या एक फिफ्टी रुपीज़ का नोट है वो ज़्यादा हैवी है ओके सॉरी दिस मे बी डिफ़िकल्ट टू सी ये कहना शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए है ना बट शाहिद हु कान सी बट जो शाहिद है वो देख नहीं सकता है कैन नॉट सी हैज़ अ बेटर सेंस ऑफ टच दैन मोस्ट पीपल उसके पास जो सेंस ऑफ टच है यानी किसी चीज़ को छू के पता करने का जो पावर है वो ज़्यादा है सो so, जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पास ये पावर ज़्यादा होती है क्योंकि वो चीज़ों को टच करके ही फील करके ही पता लगाते हैं कि वो क्या है उसका वेट कितना है ओके सो व्हाट हैपन? वंस शाहिद नोटिस दैट अ बंडल ऑफ नोट्स विच केम टू द बैंक फेल्ट डिफरेंट एंड हैवियर एक बार शाहिद ने नोटिस किया कि जो बंडल ऑफ नोट्स नोटों का जो बंडल है जो बैंक से आया है वो डिफरेंट है थोड़ा और थोड़ा हैवी है वो सभी को है, ऐसे चेक करता होगा तो उसको जब उसने चेक किया तो उसको लगा कि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है वो थोड़ा डिफरेंट है और हेवियर है ही आस्ड द मैनेजर टू चेक उसने मैनेजर को चेक करने के लिए कहा ओके अदर अदर्स लुक्ड एट इट बट फाउंड नो प्रॉब्लम दूसरे लोगों ने जब देखा तो इसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी ही इंसिस्टेड एंड सो अ मशीन वॉज ब्राउड टू वेट इट जब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी फिर भी जो ये शाहिद है इसने इंसिस्ट किया कि नहीं प्लीज़ आप एक बार इसको वेट कीजिए इट शोज़ दैट द नोट्स वर फेक नॉट रियल और उससे पता चला कि जब उन्होंने वेट किया उसका तो पता चला कि वो जो नोट्स हैं वो फेक हैं रियल नहीं हैं ओ शायद यू रियली सेफ टी बैंक बैंक सेट एवरी वन और फिर सभी जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने बोला उनको थैंक थैंक्स बोला कि तुम्हारी वजह से हमारा बैंक बच गया ये जो नोट्स है वो फेक थे है ना क्योंकि वेटिंग वेट करने से पता चल गया जो रियल नोटों का बंडल है उसको वेट करते हैं तो उन लोग को पता होता है कि इसका वेट इतना होगा है ना लेकिन उनका जो फेक नोट्स थे उनका वेट उनसे ज़्यादा था है ना सो so इसीलिए उनको पता चल गया सी नेक्स्ट फाइंड आउट एंड डिस्कस हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी मेक आउट डिफरेंट नोट्स एंड कॉइंस अब जो लोग देख नहीं सकते हैं वो अलग अलग नोटों को और क्वाइंस को कैसे पहचान सकते हैं सो हिंट लुक फॉर अ शेप वो क्या करते हैं ऐसे शेप्स दिया होता है नोटों पे या फिर जो भी शेप्स होते हैं सिक्के पे या नोटों पे, उनको टच करते हैं है ना ट्वेंटी रुपी का नोट हो फिफ्टी हंड्रेड या फाइव हंड्रेड उसको फील करते हैं टच करते हैं फील करते हैं और इसी तरह से उनको हैबिट हो जाती है और फिर उनको पता चल जाता है है ना वाट शुड वी लुक फॉर टू चैक इफ आ हंड्रेड रुपी नोट इज़ रियल और फेक हमें क्या करना चाहिए अगर हमें ये पता करना है कि जो हंड्रेड रुपी का नोट है वो रियल है या फेक है तो आप कैसे पता करोगे सो so, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हंड्रेड रुपीज़ को नोट जो है वो रियल है या फेक है तो आप देखोगे जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे आपको गांधी जी की छाप दिखेगी जब आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखोगे है ना और इसका दूसरी दूसरे तरीके भी है कि आप इसका प्रिंटिंग स्टाइल जो नोट का जो पेपर है उसको आप पता करके कर देख सकते हो उसको टच करके देख सकते हो जो नंबर्स लिखे होते हैं नोटों पे वो आप चेक कर सकते हो है ना तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप उसको चेक कर सकते हो कि वो रियल है या फेक है सो यू कैन राइट दीज आंसर्स फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी मेक आउट डिफरेंट नोट्स एंड कॉइंस दिस वन एंड सेकेंड वन इज दिस वन ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश हो रहा है होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको समझ में आ रहा है सब कुछ तो आप दूसरे अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें ये वीडियो उनको शेयर करें लाइक like करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इससे क्या होगा कि जो भी नई वीडियोस आएंगी आपसे रिलेटेड अगर है तो आप उनको देख सकेंगे सबसे पहले ओके सो थैंक यू हैव अ नाइस डे